हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लंच हो चुका है हमारा और अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। थोड़ा सा मार्केट में काम है तो अभी हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि कार में नहीं जाएंगे क्योंकि ना मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा ओवर मतलब ना रश होता है बहुत ज़्यादा। तो डैडी का स्कूटी लेके जाएंगे, उधर रख दो ना, डैडी का स्कूटी लेके जाएंगे तुम्हें बांधने के लिए, तुम्हारे से जानवरों को बांध। तो डैडी को जो है स्कूटी ले गए, मेरी स्कूटी का ना उसका बैटरी डाउन हो गया है क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग रहते नहीं हैं तो यूज़ करते नहीं हैं, तो उसका बैटरी डाउन हो गया है मेरी स्कूटी का ना, तो इसलिए डैडी की स्कूटी लेके जाएंगे। तो अभी जो है निकल रहे हैं हम लोग मार्केट। मैंने कब से कह रही थी पंकज को निकलते क्योंकि ना ठंड हो जाती है बहुत शाम को, तभी हम लोग निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं, ये शहीद दुर्गामल पार्क के पास वाला रोड है, यानी कि हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस में 10 मिनट का रास्ता है, ये 10 to 15 मिनट का रोड है और ये ना वॉकिंग वाला पाथ है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए ये पार्क के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ना काफ़ी ग्रीनरी हो गई है। और ये है शहीद दुर्गामल पार्क, ये जो पिक्चर लगी थी शहीद दुर्गामल जी की है। यहाँ पे कैन बोर्ड के फंक्शंस होते हैं और पार्क है, बच्चे मतलब ना अंदर स्विंग देते हैं, तो काफ़ी अच्छा पार्क है ये। और उसके बाद ये जो आपको पाथ दिख रहा है और पीछे ग्राउंड दिख रहा है, ये पूरा मतलब बच्चों के खेलने के लिए, वॉकिंग के लिए, गाड़ी वाली जो सीखते हैं ना व्हीकल सीखते हैं उसके लिए। और ये देखिए आपको अब ना अब इस रोड पे बहुत सारे लोग वॉक करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे कभी मैं भी वॉक किया करती थी और सही में बहुत मतलब अच्छा लगता था, एक रिफ्रेशमेंट सी, फ्रेश मतलब बंदा फील करता है ना। और ये देखिए ये था आकाशगंगा, मतलब यहाँ MES वालों का ये ना ऑफिसर्स मैस है। और ये RIMC का पीछे के साइड का गेट है जो मैंने आपको दिखाया, पहले मैंने आगे की साइड से दिखा रखा है, ये पीछे साइड से। और देखिए कितने सारे लोग वॉक कर रहे हैं, मतलब लेडीज़, जेंट्स, बूढ़े, बच्चे, हर तरह के, क्योंकि आजकल सब लोग अपने सेहत के प्रति जो है बहुत ही जागरूक हो गए हैं। तो लोग देखिए कितने तादाद में वॉक कर रहे हैं आपको मतलब ये। और यहाँ पर ना मैं दिखा नहीं पाई बहुत से पोल्स में मैं वो भी, ये देखिए ये ना अभी ये कैंटोनमेंट का जो है CO का ऑफिस घर है, सॉरी घर है। और हाँ जी, ये तो जो ये पोल्स है ना यहाँ पे ना म्यूज़िक सिस्टम भी लगे हुए, वहाँ पे भीनी भीनी म्यूज़िक लगता है बहुत ही धीमे से, अच्छा लगता है। और ये है मेरी सिया का स्कूल, ऐश्वर्या का स्कूल, पहले वो यहीं पर पढ़ती थी कैमरिन हॉर्न, तो यहाँ से मैं दिखा रही थी आपको। और ये देखिए पूरा ये स्कूल का एरिया है और ये जो दिख रहा है ना ये आपको, ये क्वार्टर्स है। तो मेरे बड़े वाले मामा रिटायरमेंट के बाद पहले स्कॉलर्स होम में, फिर यहाँ पर उन्होंने जॉब किया था, अभी अभी यहाँ से भी रिटायर हुए हैं, तो ये क्वार्टर्स है, तो मामा लोग यहीं पे रहते थे और हम लोग बहुत रहे हैं इन क्वार्टर्स में, क्योंकि जब भी छुट्टी होती थी 2 दिन की हो या 10 दिन की हो, हम मामा के घर में भाग के आ जाते थे। बस मतलब बहुत मज़ा आता था मामा के घर में भाग के, मतलब आ जाते थे सामान वामान उठा के अपना, और फिर मामी मामा हमें डोसा खिलाने ले जाते थे, कभी कभी कुछ खिला रहे, मतलब वही होता है ना मामा मामी के घर में जो मज़े वही कर रखे हमने। और आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कितने सारे लोग वॉकिंग कर रहे हैं और ये सारे ऑफिसर्स क्वार्टर है। और देखिए यहाँ से शुरू होता है ददून स्कूल, आप लोगों ने सबने नाम तो सुना ही होगा ददून स्कूल का, तो ये है ददून स्कूल। और यहाँ से ना ये इनके क्वार्टर्स एक्चुअली, ये जो बिल्डिंग्स आपको दिखेगी ये सिर्फ स्टाफ क्वार्टर्स ही हमको दिखाई देते, स्कूल बिल्डिंग जो है इतनी मतलब अंदर की साइड है कि वो दिखाई ही नहीं देता। और आप दिख रहे होंगे कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ से किस तरह से वहाँ पे मतलब जो बाउंड्री है किस तरह से वहाँ पर पूरी तरह सुरक्षा दी गई है, क्योंकि एक बार कुछ बात हुई थी बहुत साल पहले, तो इसलिए है ना। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे नेताओं के, बड़े बड़े लोगों के बच्चे ही यहाँ पे पढ़ते हैं। और देखिए स्कूल का जो एरिया है बहुत ही बड़ा है, ये देखिए गेट एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे ना उत्तर द्वार, पश्चिम द्वार, इस तरह से करके पूर्व द्वार करके गेट लगे हुए हैं अलग अलग। और ये जितने भी क्वार्टर्स देख रहे हैं ये सारे स्टाफ क्वार्टर हैं इनके ना। और अब हम पहुंच चुके हैं बिंदाल मार्केट में, जहाँ की इतना रश होता है कि मतलब आप यहाँ पे ना इस मार्केट में आप किसी भी तरह से आ जाओ, किसी भी रोड से आओ, आपको यहाँ पे भीड़ ही मिलती है, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं यहाँ पे आना ना, बहुत मतलब कम आते हैं हम लोग। वैसे भी हम लोग की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हम लोग अपने लोकल मार्केट में मिल जाती है, जो हमारा गढ़ी का मार्केट है, डाकरा का मार्केट, वहीं हमें मिल जाती है, तो यहाँ पे हमें आने की ज़रूरत नहीं होती है। वही है कि बहुत ही कुछ ही अजीब ही मतलब स्पेशली लेना हो तब भी हम आते हैं, वरना हम कभी नहीं आते। हम लोग आ गए हैं, ये है डिस्पेंसरी रोड में आ रखे हैं, सिया के लिए गिफ्ट लेने आ रखे हैं। यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ होती है, और अभी हम लोग अंदर से शॉर्ट वाले रास्ते से आए, उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है। शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, मैंने मास्क पहन के रखा हुआ है अभी ना, और बहुत ठंड है इसलिए मैंने कैप भी पहन रखी है। तो चलिए देखते हैं सेंटा को कुछ मिलता है या नहीं।
अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि शॉपिंग हमारी हो चुकी है और यहीं पे हमें रात हो गई। आपने देखा था कितने सुबह हम मतलब सुबह मीन्स कि दिन में हम लोग निकले थे वो शाम हो चुकी है बिल्कुल। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, देखिए ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है और आज तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है शॉपिंग क्रिसमस के कारण। आज क्रिसमस क्रिसमस ही बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं। और जबकि हम लोगों ने वो रूट चुना है जिसमें सबसे कम रश होता है, फिर भी देखिए। पास आ चुके, पास यानी कि 3 से 4 मिनट लगेंगे अब हमें घर पहुंचने के लिए। फिर सोच रहे हैं कि कल की प्लानिंग करने के लिए, यानी कि कल जो है मतलब क्रिसमस है तो सभी की छुट्टियां होती है और हम पहले से ही जो है जब क्रिसमस होता था तो पिकनिक के लिए जाते थे ना, क्योंकि वेकेशन होता था, विंटर ब्रेक होता था। तो वही सोच रहे हैं कि प्लानिंग करने के लिए मामा लोग के घर जाए। इस समय हम लोग आ चुके हैं मामा लोग की कॉलोनी में। यहाँ पे कोई ई रिक्शा में आया है, दोनों आगे जा रहे हैं। देखो छोटे वाले मामा के घर में स्टार लगा हुआ दिख रहा है मुझे, मैं भी दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। मतलब डिस्कस करने के लिए पहले बड़े मामा के यहाँ पे आए थे, लेकिन बच्चे हैं नहीं कोई भी अभी, मामा मामी है बड़े मामा, तो उन्होंने कहा कि जैसा अभी डिसाइड होगा कर लेंगे। तो अब छोटे मामा ऊपर की तरफ चलते हैं, मामा के घर का ये जो नया पोर्शन बना है ऊपर की तरफ लेके जाएंगे आप लोगों को। यहाँ देखिए स्नेक प्लांट कितने अच्छे हो रखे हैं, मैंने लगाया था, मेरा तो एक ही हो रखा है, पता नहीं वो हो भी नहीं रहा है। तो अभी ये कह रहे कि शेल्टर लगाने वाला रखे, झूमर लगाने वाले, ये नया पोर्शन है एक्चुअली। तो यहाँ पे चल रहा है काम और मिल रही कैसे बैठी है वो मस्त, ये नया पोर्शन है जी। पूरा नया पोर्शन है इसका, अभी इनॉग्रेशन होना है ना यहाँ पे भी। हाँ लाइट जाओ, अच्छा वाह 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 बहुत ही बढ़िया। ये देखिए अभी तो यहाँ सामान नहीं है क्योंकि अभी इनॉग्रेशन ही नहीं हुआ है। ये वॉशरूम इधर, हाँ वाह मस्त बने सब। ये देखिए एक बेडरूम यहाँ पे भी बना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा न्यू, हाँ ये सारा न्यू। ये देखिए वाओ मोर मोर वाला चादर, देखिए कितना, तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अभी इस ये सारे पूरे पोर्शन का जो है अभी इनॉग्रेशन होना है। देखिए ये पीको वाले बेडशीट कितने अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी हम लोग फिर दिखाएंगे आपको। अभी यहाँ पे कथा होना है तब हम लोग आपको दिखाएंगे। अभी देखिए एक ये रूम है ना, एक पोर्शन इधर भी है, ये देखिए हाँ ये भी है, रूम सेट बना रखा है। यहाँ देखिए यहाँ पे दरवाजा डोर यहाँ से भी दे रखा है, ये भी बाथरूम इधर भी है, ये बाथरूम ये वाला कलर रेड के साथ और एक ये सूटकेस सब रखा हुआ है, लॉक है, चलो छोड़िए। एक विंडो है यहाँ से जहाँ से हम लोग स्टेयर से आए थे ना, उसी साइड पे भी ये विंडो है। तो इधर चलते हैं, लोग इधर जा रखे हैं सब लोग। एक एक मोती को जोड़ रहे हैं, तो भैया लोग तो बाबा कितना मेहनत का काम कर रहे हैं। तो भैया कब तक करेंगे ये काम, फिर इतने देर तक कब तक होगा ये, ये बताओ। क्या बोले, ये घंटों में हो जाएगा, ये पूरा जाएगा देश में। हाँ कोई आपको वो बासों में मिलेंगे, ऑर्डर मिलेंगे। देखो तो कितने से एक एक बना रहे हैं। हाँ तो दिख रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। कहाँ भैया, कौन सी आपका वो दुकान का है, शॉप का है? यहाँ के लिए ये यहाँ पे लगेगा है ना, बहुत ही बढ़िया। बाहर की तरफ चलते हम लोग इस साइड से। हाँ ये देखिए ऊपर वाला डोर भी डेकोरेट हो रखा है बिल्कुल, सेंटा के जो है कैप सॉक्स सब लग रखे हैं, ब्यूटीफुल। संता संता जी के स्वागत के लिए एकदम एक स्टार, ये देखो हाँ मैं आप लोगों को नीचे से दिखा रही, ये देखिए स्टार कितना बढ़िया लग रहा है। अच्छा पंकज कह रहे हैं यहाँ से देखिए
क्या बढ़िया टाइम, बहुत बढ़िया लगा ये मान लीजिए। ऑसम। हम लोग क्या क्या खा रहे हैं, मोमो तो हमने खा दिए, हाँ मोमो तो हमने खा भी दिया, चाय भी पी लिया, चाय दोबारा बन रही है। ये देखिए ब्रेड पकौड़ा जो है बहुत ही टेस्टी वाले हैं, बीकानेर से लेके आई है, बहुत ही मजे के हैं। और देखिए जलेबी, क्या टेस्टी गरम गरम जलेबी खाते, मुंह भी जो है लड़खड़ा गया। और ये है जिसने मुंह छुपा लिया, अरे मामा जी खाना भी नहीं है, मेडिकल कॉलेज का क्या है, कैंटीन उधर अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है मोमो। सीवड़े भी खाचे, पहले बंद हो गया ना, फिर खुल गया मेडिकल कॉलेज, अब तो वो बन गया मेडिकल कॉलेज बन गया, अब तो इस साल से वहां पर बैठेंगे, नीट की क्लासेस बैठेंगे, डॉक्टर्स की, नर्सिंग। आप लोग भी खाइए, केक का प्रसाद भी चढ़ा दिया है और कैंडल भी लगाया है, ताकि जो है मतलब ना आज क्रिसमस ईव है, तो इसलिए यहाँ पे ये देखिए पूजा सब हो गया है यहाँ पे। देखिए भगवान तो भगवान ही है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से हो ना, हमारे लिए तो सब भगवान एक बराबर है। ये देखिए यहाँ पे भगवान जी भी है और बाइबल भी, जय भगवान जी 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 जी, ये आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल बाइबल है, ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, फिर अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।